हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, त्रैमासिक एग्जाम चल रहे हैं अभी बोर्ड के। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वह है कक्षा 12th का लेखा शास्त्र का पेपर। तो समय है 2.5 घंटा और पूर्णांक है 80 नंबर। नीचे निर्देश दे रखे हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आय व्यय खाता बनाया जाता है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है सामान्य साझेदारी व्यवस्था व्यवसाय की विशेषता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रवेश से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नकद लाता है तो उसे जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर किस दर को ब्याज दिया जाता है। 10%, 6%, 5%, 6% वार्षिक। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो पहला सवाल है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों का अधिक को क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्राप्ति भुगतान खाता में रोकड़ एवं बैंक से संबंधित प्राप्तियों भुगतान में कोई खाली जगह नहीं किया जाता है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है साझेदारी का फर्म से खाली जगह एवं खाली जगह का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को ख्याति किस भुगतान पर करने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति राशि नकद में लाई जाने पर लेखांकन मानक का अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य व्यय साझेदारी में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म के विघटन खाली जगह दे सकता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इन्हें आप सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ स्तंभ ए दे रखा है, एक तरफ स्तंभ बी दे रखा है, आपको इनका मिलान करना है, जिसमें केवल नगद व्यवहार इसका भुगतान करना है आपको। केवल आयकर मरते हैं वो किसके साथ करनी है, आंतरिक दायित्व किसका होता है, संपत्ति दायित्व के मूल्य में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, स्थिति पूंजी पद्धति किसकी होती है, बाहरी दायित्व किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है जिनको आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते में किस पक्ष में प्रलेखित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साझेदार फर्म के अनुसार व्यवसाय करता है और फर्म से प्रतियोगिता करता है तो व्यवसाय में प्राप्त लाभ पर किसका अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म द्वारा साझेदारी और पूंजी का ब्याज कब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म में नियोजित पूंजी पर एक सामान्य प्रत्यय दर से निकाला गया लाभ क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग अनुलाभ की गणना क्यों की जाती है। अगला क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण करने पर वार्षिक लाभ भुगतान के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य असत्य बताना है आपको। अग्रिम प्राप्त चंदा प्राप्ति भुगतान खाता में नहीं लिखा जाता है। कोई व्यक्ति बिना पूंजी दिए फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है। एक अधिकार से ख्याति में वृद्धि होती है। आप लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें आपको दो ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आप कोई सा एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है ये, प्रश्न नंबर 7 ये, प्रश्न नंबर 8 सब में अथवाएं, क्वेश्चन नंबर 9 आप इनको लिखते रहें और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करते रहें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इन सबको याद कर लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।